ृश्यमानगरी तुल्यं निजान्तर्गत पश्यन्नात्मनिमाया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये यं पृथग्धर्मचरणाः पृथग्धर्मफलैषिणः पृथग्धर्मैः समर्चन्ते तस्मै धर्मात्मने नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जब मैं किसी काम से निकलता हूँ तो पहले चार बार नारायण 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 बोल के निकलता हूँ, और जिस दिन घर से निकलते समय हमको ये बात याद रहती है उस दिन तो हमारा काम पक्का बिल्कुल सिद्ध हो जाता है, और जिस दिन घर से चलते समय मैं भूल जाता हूँ उस दिन मेरा काम नहीं बनता। मैंने उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी, आंखों से झरझर आंसू, इतने महाराज भावुक थे, इतने बड़े नेता, इतने कर्मठ, इतने बड़े देश हितैषी, और जब वो भगवान की लीला चर्चा सुना करते थे तो उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरते थे। महात्मा गांधी ने एक बार कहा कि धर्म में भी रस है, ये बात मालवीय जी के मुंह से श्रीमद् भागवत श्रवण करने के बाद मेरे अनुभव में आई। धर्म रस की उत्पत्ति जीवन में, धर्म रस की उत्पत्ति तब हुई, ये बात महात्मा गांधी की कही हुई है, जब मैंने मालवीय जी के मुख से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। अब आओ आपको थोड़ी सी बात भक्ति संबंधी सुनाते हैं। आप गीता तो पढ़ते ही होंगे, भागवत पढ़ते होंगे तो जरा बड़ा ग्रंथ होने के कारण भूल जाते होंगे, और 10 उपनिषदें, ब्रह्मसूत्र, प्रस्थानत्रयी, प्रस्थान चतुष्टयी, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज प्रस्थान चतुष्टयी मानते हैं, हमारे शंकराचार्य प्रस्थानत्रयी मानते हैं। भक्ति का ये लक्षण कहीं नहीं है, उपनिषद में, गीता में, ब्रह्मसूत्र में, भागवत में, कि किस रंग का कपड़ा आदमी पहने तब वो भक्त हो जाता है। ये भी कहीं नहीं है कि कैसा चंदन लगाता है तब वो भक्त हो जाता है। ये बात गीता पुस्तक में, देखो भाई किसी की माया खो गई है, ये लक्षणों ने दिखा दे। तो भक्ति कैसे होती है? हम वेश का आदर करते हैं, चंदन का भी और कपड़े का भी। अच्छा, गीता में आपने कहीं पढ़ा है कि माला तुलसी की हो कि रुद्राक्ष की? 18 अध्याय गीता में 500 के लगभग सूत्र और 200 के लगभग अधिकरण, 191 अधिकरण शांकर मत में है ब्रह्मसूत्र के, उनमें कहीं वेशभूषा की चर्चा नहीं है। 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में है, भक्त किस रंग का कपड़ा पहने, कैसा चंदन लगाए, कैसी माला पहने, इसका उल्लेख नहीं। 10 उपनिषदों में इसकी कोई चर्चा नहीं। हम आपसे एक बात कहने जा रहे हैं, इन बातों को आप पकड़ना मत हो, कहीं से आप निकाल के ले आवे कि ये लिखा है। भागवत तो मैंने भी बचपन से पढ़ा है, उसमें तुलसी दाम का भी वर्णन आता है, रुद्राक्ष का भी वर्णन आता है, पर ये नहीं है कि वही भक्ति का चिन्ह है। अब भक्ति का चिन्ह आप देखिए, पहले नारायण नाम को पकड़िए। एक ने पूछा, महाराज भगवान के पास तार भेजना हो तो क्या उनका कोई रजिस्टर्ड पता है? तो उनका रजिस्टर्ड पता है नारायण। भला नारायण माने नर के हृदय का नाम है नार, और नार जिसका अयन है, घर है, उसका नाम है नारायण। नरस्य इदम नारम हृदयम तदेव अयनम यस्य,
असौ नारायण नर के हृदय का नाम है नार और उसमें जिसका निवास है उसका नाम है नारायण। आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, नारायण को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवत भक्ति का यही अर्थ है। तो सबके हृदय में बैठे हुए जो नारायण हैं, उनको प्रसन्न कीजिए और अपने हृदय में जो बैठे हुए नारायण हैं, उनको प्रसन्न कीजिए। ये जो भगवान का प्रसाद संपादन है, अपने हृदय में और सबके हृदय में बैठे हुए नारायण को प्रसन्न करना है, यही असल में भगवत भक्ति है। श्री मध्वाचार्य जी महाराज ने अपने दर्शन में एक श्लोक उद्धृत किया है, वो कहते हैं ईश्वर की पूजा क्या है। आप जानते हैं चंदन चढ़ाना मूर्ति पर पूजा है, शिव जी की मूर्ति हो तो अक्षत चढ़ाना पूजा है, विष्णु की मूर्ति पर अक्षत नहीं चढ़ाते हैं, शिव जी की मूर्ति पर बेलपत्र चढ़ाना पूजा है, वो विष्णु की मूर्ति पर नहीं चढ़ाते हैं, और तुलसी विष्णु की मूर्ति पर चढ़ाते हैं, शिव की मूर्ति पर नहीं चढ़ाते। तो ये सब पूजा तो बहुत बढ़िया, भतूरे का फूल शिव जी को चढ़ता है विष्णु भगवान को नहीं, और केतकी का पुष्प विष्णु को चढ़ता है शंकर जी को नहीं, तो ये सब तो पूजा है। देखो मध्वाचार्य जी कैसी पूजा बताते हैं भगवान की। रागाद्यपेतम हृदयम वाग दुष्टा नृतादिभिः हिंसादिरहित कायः एतद् ईश्वर पूजनम। रागाद्यपेतम हृदयम, आपके हृदय में किसी से राग द्वेष न हो, क्योंकि जब राग होता है तब पक्षपात आ जाता है। इसमें भाई भतीजा परिवार रिश्तेदार नातेदार, गांधी जिस बात को ऐसे कहते थे कि हम दोनों पहले खा लें फिर दुनिया को खाने को मिले कि नहीं, जहाँ संबंध की स्थापना हुई वहाँ हम दो पहले बाकी सब बाद में, उसमें भगवान को भोग लगाना भूल जाता है, हाँ गुरु को भोग लगाना भूल जाता है, ये राग महाराज राग अपने शरीर को भुला देता है। देखो ना आज भाई भतीजा बात संबंधी बात पार्टी बात, पार्टी बात भी राग का ही विलास है। हो आप लोग भिन्न भिन्न पार्टियों के यहाँ बैठे होंगे, आप जानते ही हैं कि अपनी पार्टी का आदमी हो तो वो दूध का धुला ईश्वर का प्रतिनिधि इसको वोट दो, और दूसरे की पार्टी का हो तो वो चाहे कितना भी पवित्र हो बोले गंदा तो उसको वोट नहीं दे रहा। आज पार्टी बंदी ने अपनी पार्टी वाले के प्रति राग उत्पन्न करके अनजान में ही हृदय को कितना कलुषित कर रही है, ये पार्टी बंदी इस पर आप ध्यान नहीं देते। तो अपने अपनी पार्टी से राग और दूसरे की पार्टी से द्वेष, अपने प्रांत से राग दूसरे के प्रांत से द्वेष, अपनी जाति से राग दूसरे की जाति से द्वेष, अपने परिवार से राग दूसरे के परिवार से द्वेष, जब तक ये बनता है तब तक भगवान की भक्ति नहीं होती, भगवान की पूजा नहीं बनती। हम भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, जैसे हमारा नौकर हमारा हुक्म मान करके हमारी आज्ञा का पालन करता है, वैसे तुम हमारे परिवार वाले को हमारे भाई को भतीजे को बेटे को ज्यादा कुछ दे दो और बाकी लोगों को भूखे रख दो, तो इसका नाम भक्ति नहीं होता। भगवान की पूजा तब होती है जब हमारे हृदय में किसी के प्रति मोहब्बत के कारण पक्षपात नहीं होता, स्वार्थ के कारण मोह के कारण राग के कारण जब किसी के प्रति पक्षपात नहीं होता, और जब नफरत के कारण दुश्मनी के कारण परायापन के कारण किसी के प्रति क्रूरता और अन्याय का बर्ताव नहीं होता। रागाद्यपेतम हृदयम, हमारे जीवन में भक्ति कब आती है? जब हमारा हृदय राग और द्वेष से रहित होता है। ये भी एक भक्ति है,
जब भगवान श्री रामचंद्र चित्रकूट में आए तो वहाँ के निवासियों ने भगवान राम से निवेदन किया कि महाराज, हम तो आपकी कोई सेवा नहीं कर सकते, हमारी तो बस यही सेवा समझ लो कि ले इन बासन बसन चुराई, आपके बर्तन हम चुरा के नहीं ले जाते, आपकी चोरी नहीं करेंगे, आपके कपड़े चुरा के नहीं ले जाएंगे, ये जो हम चोरी नहीं करेंगे आपकी, यह हमारी अति हित सेवकाई, यही हमारा प्रेम समझिए, यही हमारी सेवा समझिए। तो आपसे भी निवेदन है कि यदि आप भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो कम से कम जो राग के कारण पक्षपात है और द्वेष के कारण जो परायापन है, अन्याय है, क्रूरता है, अपने हृदय से इन दो बातों को निकाल दीजिए और हर लगन फिट करी रंग चोखा आवे, भगवान की पूजा हो जाए। कुछ देना नहीं, चंदन नहीं, अक्षत नहीं, बेल पत्र नहीं, आपसे एक फूल पत्ता नहीं लेते, केवल आपके दिल में जो मैल है उस मैल को निकाल दीजिए। मैल निकालना भी सेवा है। अब देखो, रागाद्यपि तम हृदयम बाग दुष्टा नृतादिभिः, आपकी वाणी है। एक सज्जन एक दिन मेरे पास आए और वो बताने लगे, मैं जरा लेटा हुआ था तो मेरे सिरहाने की तरफ बैठ गए और बताने लगे कि मेरी समाधि कैसे कैसे लगती है। अब महाराज, समाधि तो उनको लगती होगी, लेकिन उनके नाक से जो सिगरेट का धुआं निकलता था वो पी के आए थे तत्काल। अब हम लोगों का अभ्यास नहीं, उनको तो अमृत मालूम पड़ता होगा, परंतु जिसको अभ्यास नहीं है उसको कैसा मालूम पड़े। अब हम जितना अपना मुंह उनसे दूर कर लें उतने ही वो नजदीक आके समझाने लगे। अब उनकी सांस में से निकले धुआं। तो ये जो मनुष्य बोलता है ना, वाणी जो निकलती है उससे पता चलता है, जैसे कै आदमी की होए, आदमी के मुंह से होए कै, बमन हो बमन, तो जो खाए हुए होता है उसी का बमन होता है। ऐसे जब आदमी किसी के बारे में कोई बात करने लगता है तो जिसके बारे में कर रहा है वो कैसा, ये नहीं जाहिर होता। जाहिर ये होता है कि उसने आज क्या खाया है और क्या पचा है और क्या अनपचा है। वाणी के द्वारा वो अपने खाए हुए का बमन करता है, अपने पिए हुए का बमन करता है, तो पता चल जाता है कि आज ये क्या खा के आया है। ये जबान जो है, ये पेट के भीतर की जो छिपी हुई भावना है उसको जाहिर कर देते हैं। तो आप ईश्वर की पूजा करना चाहते हैं तो कम से कम अपनी जबान से झूठ मत बोलिए, चुगली मत कीजिए, दूसरे के दोषों का वर्णन मत कीजिए। बस अपनी जीभ को यदि इस बात से आप बचा लें तो ईश्वर की पूजा हो जाएगी। बाघ दुष्टा नृता, लंगड़े को लंगड़ा कहकर मत पुकारिए, काने को काना मत बोलिए, भटियारे को भटियारा कहकर मत पुकारिए, हीनांगान अतिरिक्तांगान या जाति हीनाश्च नाक्षिपे। मनु जी ने कहा कि जिसके हीनांग हो, अतिरिक्तांग हो और जो जातिहीन हो उनके ऊपर कभी आक्षेप करके नहीं बोलना चाहिए, इस ढंग से किसी से बात नहीं करना चाहिए कि उसके दिल में चोट लग जाए। अब आप चाहते हैं ईश्वर को प्रसन्न करना और बोलने तक का आप सहूर नहीं सीखते हैं, आप मालिक के सामने, महाराजा के सामने जाकर के, जो सर्वोपरि सर्प नियंता है उसके सामने जाकर आप कौन सा सूक्त बोलेंगे? अरे भाई, भगवान के सामने पुरुष सूक्त तो बोलेंगे ना, सहस्र शीर्षा पुरुषः, सहस्र अक्ष सहस्रपाद, कौन सा सूक्त बोलेंगे आप भगवान के सामने? जब आप अपने मुंह से कड़वाहट निकालते हैं, जहर उगलते हैं, तीर मारते हैं, आपने बाण की जगह पर वाणी को, बाण के स्थान पर वाणी का प्रयोग करते हैं। बाण और वाणी आप जानते हैं, सर्प और सर्पिणी, बाण और वाणी, बाघ दुष्टा नृता, यहाँ भगवान की भक्ति होती है। आप कहो तो हम कह दें कि आप भक्तराज हैं, आप धर्म धुरंधर हैं, धर्म धुरीण हैं,
हमारे तो कई महात्मा आए थे, हमने देखे हैं कि वो सुनहले अक्षरों में बड़ा बढ़िया ग्लेज कागज पर छपा के रखते हैं बड़ा बड़ा प्रमाण पत्र, और उनके पास जब कोई सेठ जी आते हैं तो उनको धर्म धुरीण, धर्म धुरंधर, धर्मालंकार लिख करके उनको पदवी दे देते हैं, और सेठ जी उसको फ्रेम में मढ़ा के बड़े प्रेम से अपने कमरे में लगाते हैं, महाराज हमको धर्मालंकार धर्म धुरीण की पदवी मिली हुई है। परंतु पदवी देने से आप धर्मा भक्तराज कैसे हो जाएंगे, भक्तालंकार कैसे हो जाएंगे, देखना तो हृदय में पड़ेगा ना। अच्छा जी, वाणी आपकी दुष्ट न हो, सच बोलने धर्म नहीं होता, सच में कटु बोलना अधर्म होता है। कुल्लूक भट्ट ने मनुस्मृति की व्याख्या में जहाँ बताया है, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम की व्याख्या में लिखा है, किसी से जाके भरी सभा में बोल दिया कन्या ते गर्भिणी, तुम्हारी कुमारी कन्या के गर्भ है, बोले ये सच भी हो तो भरी सभा में जा करके बोलना धर्म नहीं है। आप देखना मनुस्मृति की टीका, वो देखना, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, आप क्या बोलते हैं, आप ऐसा बोलिए जिससे ईश्वर प्रसन्न हो। हिंसा दिरहित कायः एतद् ईश्वर पूजनम्, आप ईश्वर की पूजा करना चाहते हैं, आपके शरीर से हिंसा न हो। हिंसा मन से होती है, हिंसा वाणी से होती है, हिंसा शरीर से होती है। इन तीनों प्रकार की हिंसा का परित्याग करके अपने शील का पालन कीजिए। महाभारत में एक शीलाध्याय है, प्रह्लाद ने शील का पालन किया, अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानंच शीलमे तत्प्रसस्यते, कर्म से, मन से, वाणी से किसी के साथ द्रोह मत कीजिए, सबके ऊपर कृपा कीजिए, सबको कुछ दीजिए, इसका नाम है शील। आप शीलवान बनिए, शीलवान बनिए। आपको झगड़ा लगाना आता है कि झगड़ा मिटाना, आप कैसे ईश्वर की पूजा करेंगे? जिसको झगड़ा मिटाना आता है वो ईश्वर की पूजा करता है, जिसको झगड़ा लगाना आता है वो ईश्वर की पूजा नहीं करता। तो श्री मध्वाचार्य जी महाराज ने जब ईश्वर की पूजा का प्रसंग छेड़ा, हमारे भक्ति के आचार्यों में द्वैतवादी आचार्य प्रमुख हैं वो मध्वाचार्य, जीव और ईश्वर, जीव ईश्वर की पूजा कैसे करे। देखो ये इसमें तो कुछ लगन ही नहीं है। श्रीमद् भागवत में कहा, आप ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, लीजिए ईश्वर का प्रसाद, बेया सर्वभूतेषु संतुष्टिया जेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्या सुजनार्तनः। आप क्या भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं? दुखी पर दया कीजिए। भगवान स्वयं दुखी का चोला पहनकर दया के रूप में जो आपकी चित्त वृत्ति है उसको लेने के लिए आया है, और अपने लिए जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहिए। सबके लिए सब कुछ चाहिए, और थोड़े से थोड़े में अपना काम चलना चाहिए। सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्या सुजनार्दना, अपनी इंद्रियों को शांत रखिए, ये भगवान की प्रसन्नता का हेतु है। हमारे गांव के पास एक राजपूत सज्जन रहते थे, बड़े स्वाभिमानी थे। जब सम्राट पंचम जॉर्ज आए थे तो उनको इस बात का अभिमान था, उन राजपूत महाशय को, कि सम्राट ने हमारे साथ हाथ मिलाया, नीम के नीचे खाट बिछी है और हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, परंतु महाराज उस रास्ते से कोई निकल जाए और आंख से उझल चला गया तो दूर से भी बुला लेते थे उसको, आदमी भेज के बुलवाते थे, और बिना कुछ खिलाए, बिल्कुल रास्ते पर उनका घर था, बिना खिलाए किसी को जाने नहीं देते थे। कभी कभी उन्होंने अपनी खाट तोड़वा दी आग जलाने के लिए, किवाड़ तोड़वा दी, अपना बर्तन गिरवी रख दिया, लेकिन जाने आने वालों को खिलाया। मैं खा रहा था एक दिन बैठ के उनके यहाँ, कुछ हलवा 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 होगा, तो मैंने कहा कि ठाकुर साहब खिलाने में बड़ा आनंद आता है।
खिला के खाने में बड़ा आनंद आता है। मैंने कहा खिला के खाने में बड़ा आनंद आता है, तो बोले कि नहीं महाराज, आप गुरु हैं तो क्या हुआ, हम बुजुर्ग हैं, आपको अपना अनुभव सुनाते हैं जिंदगी भर का, खिला के खाने में मजा नहीं आता। मजा तो आता है उस दिन जिस दिन हम खिला के भूखे रह जाते हैं। बोला जिस दिन हम औरों को खिला कर भूखे रह जाते हैं उस दिन मजा आता है। बाबा यही मकान, यही दुकान, यही परिवार, यही सब कुछ है। जरा आध्यात्मिक आनंद देखिए। अनश्नन अन्यो अभिचाकसी थी, हमको इस वेद मंत्र का अर्थ उस दिन लगा जिस दिन उस ठाकुर ने, उस राजपूत ने हमको ये बात सुनाई। अनश्नन अन्यो अभिचाकसी थी, ईश्वर स्वयं भोजन नहीं करता, दूसरों को भोजन कराता है। योग दर्शन के भाष्य में विज्ञान भिक्षु ने लिखा कि स्वयं खा करके जीव को मजा आता है, परंतु सब जीवों को भोग दे करके ईश्वर को मजा आता है। यही तो ईश्वर का आनंद है, ईश्वर का आनंद यही है। आप जरा सोचिए, कोई बहू सोचे कि वो अच्छी साड़ी अपनी जेठानी या देवरानी को देकर खुश होती है कि खुद पहन के, सास सोचे कि अच्छी साड़ी वो अपने बहू को देकर खुश होती है कि खुद पहन के, भाई सोचे कि वो अच्छा भोजन अपने भाई को देकर खुश होता है कि स्वयं। अरे बाबा, खिलाने का जो आनंद है, देखो खिलाया सो तो खिलाए ही, और त्याग का आनंद उसके साथ और जनार्दन। भगवान की पूजा, भगवान की प्रसन्नता का ये हेतु है। ऐसे होती है भगवान की पूजा, ऐसे होती है भगवान की आराधना। आप भक्ति चाहते हैं, कहाँ मिलेगा भगवान आपको भक्ति करने के लिए? आपने कभी सोचा है कि हमारे एक मित्र हैं, भगवान को पेटी में रख के ताला लगा देते हैं। कब बात क्या है कि उनके भगवान जरा चांदी सोने के बने हुए हैं। नहीं, पेटी लगाना ठीक है, फिर ताला लगाना ठीक है, उसको हम मना नहीं करते हैं, परंतु पेटी में भगवान है ये बात तो आप मान लेते हैं। मंदिर में ताले में बंद है भगवान, ये बात तो आप मान लेते हैं। लेकिन ये जो चलते फिरते मंदिर हैं, इनकी ओर कभी ध्यान दिया है? ये भगवान के स्त्री मंदिर, पुरुष मंदिर, पशु मंदिर, पक्षी मंदिर, ये सब भगवान के मंदिर हैं। इनके हृदय में स्वयं भगवान बैठा हुआ है। सर्वभूतेषु मद्भावम् पुंसो भावयतो चिरात् स्पर्धा सूया तिरस्कारा साहंकारा बियंति ही। श्रीमद् भागवत में जहाँ भागवत धर्म भक्ति का प्रसंग आया, बोले कहाँ ढूंढते हो भगवान को? जितने प्राणी ये तुम्हारे सामने, जैसे सब घड़े में मिट्टी है, जैसे सब जेवरों में सोना है, जैसे सब औजारों में लोहा है, पूछ लीजिए श्रीमद् वल्लभाचार्य से, भगवान ही संसार के रूप में प्रकट हो रहा है। ये जगत जो है, भगवान ने संसार और जगत इन दोनों का दो अभिप्राय बताया है। ये मिट्टी जगत है, पानी जगत है, अग्नि जगत है, ये मनुष्य पशु पक्षी ये सब जगत है, और इसमें मेरा तेरा संसार है। वो कहते हैं भगवान की भक्ति से जगत मिटता नहीं है, भगवान की भक्ति से संसार मिटता है। एक किसी सज्जन ने कारण लिख के भेजा है कि जगत मिथ्या कैसे। हम एक बात आपको सुनाते हैं जगत के मिथ्यात्व के बारे में। शंकराचार्य और वैष्णवाचार्य का कोई मतभेद नहीं है। डरना मत और लड़ना मत, ईश्वर सत्य है। सब वैष्णव मानते हैं कि नहीं? कैसा जगत सत्य है, ये भी सब वैष्णव, सब सयू, सब शाक्त मानते हैं। जगत भी सत्य है और भगवान भी सत्य है, ऐसा ना? अब देखो हमारी बात सुनो, जैसे सत्य, जितने सत्य ईश्वर हैं, क्या उतने ही सत्य वैसे ही सत्य ये जगत है कि कुछ थोड़ा बहुत फर्क है? अरे भाई हाँ, जगत पैदा होता है, बदलता है, इसका प्रलय होता है, और ईश्वर एक रस रहता है। क्या अभिप्राय हुआ? देखो ना, एक नंबर का सत्य है ईश्वर, और दो नंबर का सत्य है ये जगत। अवमूल्यन हो गया ना, सिक्के का सत्य का अवमूल्यन हो गया। संपूर्ण मूल्यवान है ईश्वर,
और अवमूल्यित सत्य है सत्य से सत्यम, अवमूल्यीकृत सत्य है जगत। हे भगवान बोलो, जब ईश्वर की अपेक्षा किंचिन न्यून सत्ता तत्व है जगत में तो अनिर्वचनीय हो गया ना। इस अनिर्वचनीय को ही वेदांती लोग मिथ्या कहते हैं। अपहनव का नाम मिथ्या नहीं है, अनिर्वचनीय का नाम मिथ्या है। ईश्वर से कितना छोटा है लंबाई चौड़ाई में, ईश्वर से कितना छोटा है आयु में, ईश्वर से कितना छोटा है वजन में, ईश्वर की अखंडता के सामने जगत का निर्वचन करके कोई नहीं दे सकता, इसलिए इसको मिथ्या कहा जाता है। ये व्यवहार नहीं है जगत का, लोकप व्यवहार नहीं है। बोला शंकराचार्य से पूछ लो, क्या वो कहते हैं कि लोकप व्यवहार में वर्ण नहीं है, आश्रम नहीं है, वेद नहीं है, धर्म नहीं है, उपासना नहीं है, योग नहीं है, क्या ऐसा शंकराचार्य बोलते हैं? तो लोग शंकराचार्य की बात को समझते नहीं है। यदि ये जगत दो नंबर का नहीं है तो भजन करने की क्या जरूरत है, वैराग्य करने की क्या जरूरत है, सदाकार वृत्ति करने की क्या जरूरत है? तो देखो नारायण, बात यह है कि ये जो मैं मेरा इसमें संसार बन गया है, ये बड़ा भारी दुख देता है। जगत दुख नहीं देता, संसार दुख देता है। तो इस दुखदायी संसार को मिटाने के लिए आप क्या उपाय करते हैं? सर्वभूतेषु मद्भावम् पुंसो भावयतो चिरात् स्पर्धासु या तिरस्कारा साहंकारा वियन्ति। सर्वभूतेषु मद्भावम्, जितने ये प्राणी हैं, आप ईश्वर का मंदिर देखना चाहते हैं, ये सब प्राणी ईश्वर के मंदिर हैं, और इस प्रत्येक मंदिर में वही परमेश्वर वही परमाराध्य देवता एक ही तत्व बैठा हुआ है। बस ये भावना अपने हृदय में आने दीजिए। समत्वम आराधनम अच्युतस्य, विष्णु पुराण में बताया ये जो संपूर्ण प्राणियों के प्रति समता का भाव है यही भगवान की आराधना है। संपूर्ण प्राणियों के प्रति, संपूर्ण कण कण के प्रति, अणु अणु के प्रति, इंच इंच के प्रति और क्षण क्षण के प्रति, क्षण क्षण में और कण कण में जो भगवत दर्शन है उसका नाम है, उसका नाम है भगवत भक्ति। और ये भक्ति जब हृदय में आती है तो स्पर्धा सूया तिरस्कारा साहंकारा वियन्ति ही। जो आपके मन में दूसरे के प्रति स्पर्धा का भाव आता है, होड़ लगाते हैं, असूया दूसरे के गुणों में दोष निकालते हैं और दूसरे का तिरस्कार करते हैं। कहीं भी कोई ऐसा तत्वज्ञान नहीं है जो किसी के प्रति घृणा की शिक्षा देता हो, ऐसी कोई भगवत भक्ति नहीं है जो किसी के प्रति घृणा और तिरस्कार की शिक्षा देती हो, ऐसा कोई धर्म नहीं है जो किसी के प्रति घृणा और तिरस्कार की शिक्षा देता हो। ये धर्म, ये भक्ति, ये ज्ञान, ये योगाभ्यास हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए है। आप इस कसौटी पर अपनी साधना को कसिए, सेवा साधन है। आप जानते हैं, एक दो बात आपको सुनाता हूँ बीच में, भक्ति की बात आपको पीछे सुनाऊंगा। लोग कहते हैं जीव बड़ा भारी भक्त होता है भगवान का। हम आपको सुनाते हैं कि ईश्वर भक्ति करता है जीव, हमने देखा है। अच्छा, गीता तो आप पढ़ते हैं, उसमें अर्जुन श्री कृष्ण के आज्ञाकारी हैं कि कृष्ण अर्जुन के आज्ञाकारी हैं? आपने कभी इस बात पर विचार किया है? गीता पढ़ते हैं आप, अर्जुन गीता के अंत में बोलते हैं, गीता सुनने के बाद करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इसका अर्थ क्या हुआ? अरे पहले तो कहते हैं नयोत्से इति, नहीं लड़ूंगा मैं, अंत में बोलते हैं करिष्ये वचनम, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। लेकिन हमारा ये कृष्ण किसान
नारायण कृष्ण शब्द का वही अर्थ है, वो कृष्ण विलेखने, जो हल चलावे उसका नाम कृष्ण। कृष्ण विलेखने कर्षति इति कृष्णा, कृषति इति कृष्णा, तुदादि में भी और भुआदि में भी, भुआदि में कर्षति इति कृष्णा और तुदादि में कृषति इति कृष्णा। ये किसान नारायण केवल किसान ही नहीं है, जब अर्जुन के रथ पर बैठता है सारथी होकर, अर्जुन के मोटर का ड्राइवर कौन है? किसान ही नहीं है, मजदूर भी है कृष्ण। अर्जुन के रथ का सारथी कौन है? सारथी अश्वान इति सारथी। कौन है सारथी अर्जुन के रथ का? कृष्ण। अर्जुन है रथी मालिक और कृष्ण है सारथी ड्राइवर। हे भगवान, और रथी कहता है सारथी मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। आपने गीता पढ़ी कि नहीं पढ़ी? सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर स्थापित करो। आप देखते स्थापयित्वा रथोत्तमम। कृष्ण ने कहा अच्छा आपकी जो आज्ञा, मालिक आपका हुक्म। श्री कृष्ण अर्जुन की आज्ञा का पालन करके रथ को दोनों सेना के बीच में ले जाते हैं। देखो ये हमारा ईश्वर है। आप दुनिया के पर्दे पर ऐसा ईश्वर ढूंढ कर दिखा दीजिए। हम समन्वय करते हैं, हम कहते हैं भाई सब पंथ में ईश्वर है। हम बाइबिल कुरान ग्रंथ साहब जिंदावस्था सबका सम्मान करते हैं और हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमने एक बार कुरान बाइबिल जिंदावस्था गुरु ग्रंथ साहब हमने बांच लिया है। सब धर्म का हम आदर करते हैं, सबके ईश्वर का आदर करते हैं। आप दिखा दीजिए कभी ऐसा ईश्वर जो अपने भक्त की आज्ञा मानकर, मालिक बन करके नहीं सेवक बन करके एक जीव की आज्ञा का पालन करता है। ये है श्री कृष्ण का रूप। आपने देखा है युधिष्ठिर के यज्ञ में, युधिष्ठिर के यज्ञ में खजाने का मालिक कौन? का दुर्योधन। दान करने वाला कौन? का कर्ण। भोजन कराने वाला कौन? का द्रौपदी। कृष्ण के जिम्मे भी कोई काम है? कृष्ण के जिम्मे है आने जाने वालों का पांव धोना। ये है हमारे ईश्वर का रूप। बोला आपका ध्यान इधर जाना चाहिए, लोगों की जूठी पत्तलें उठाना। एक एक गरीब ब्राह्मण द्वारका में प्रवेश करता है, गरीब गरीब नारायण, शीश पगा न ठगा तन में, उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर में कुर्ता नहीं है। अरे आपने तो पढ़ा ही होगा, पाए उपान हकी नहीं सामा। जिंदगी में जूता बिचारे को कभी पहनने को नहीं मिला, जूते का कोई निशान नहीं। न से धम द्विजम धमनी संततम, श्रीमद् भागवत में आया भूख के कारण उसकी सारी नसें शरीर की दिखाई पड़ती थी। कुचैल गंदा कपड़ा, शरीर पर गंदा कपड़ा, नसें दिखाई पड़ रही। यज्ञोपवीत भी महिला, पांव में जूता नहीं, सिर पर पगड़ी नहीं, शरीर पर कुर्ता नहीं। और ऐसा गरीब जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो प्रिया जी को जो पलंग पर थी उनको एक और किया। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी रही चकिसी वसुधा अभिरामा। नारायण, ऐसा जो सुना उन्होंने, आपको मालूम है हमारा ईश्वर, हमारा ईश्वर रोने वाला ईश्वर। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जलसो पग धोयो। परात के पानी में सुदामा जी के पांव नहीं धोए गए। पांव कैसे धोए गए? श्री कृष्ण के आंसुओं से धोए गए। हम इस बात के लिए सारी दुनिया के सामने ललकार कर कह सकते हैं, सिर उठा कर कह सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं, हमारा ईश्वर ऐसा गरीबों का प्रेमी है, ऐसा भक्तों का प्रेमी है, ऐसा सेवा परायण, ऐसा सेवा परायण है, ऐसा प्रेम का आदर, ऐसा प्रेम का आदर करने वाला है। ईश्वर की भक्ति, आप ईश्वर की भक्ति करें। आपने कभी किसी गरीब के प्रति ऐसा प्रेम किया है? कौन सा मुंह लेकर ईश्वर की भक्ति करते हैं? आपका ईश्वर तो गरीब का पांव धोवे और आप
गरीब को देख करके उससे घृणा करें और फिर बनेंगे भक्तराज। आ रहा है विमान, आपको वैकुंठ से विमान आ रहा है लेने के लिए, पार्षद आ रहे हैं। आपने अपने ईश्वर का तो ये आदर किया, जिसको ईश्वर अपना आराध्य मानकर, अपना पूज्य मानकर पांव धोता है आंसू से, जिसको अपने हृदय से लगाता है, जिसको अपने पलंग पर, जिस पर श्रीमती जी रुक्मिणी जी शयन करते हैं, उस पर ले जाकर के सुलाता है, रुक्मिणी जी जिसको पंखा झलती हैं, जो सुदामा का पांव दबाता है, नारायण उस ईश्वर के सामने आप कैसी ये मच मच करते हुए और सिर उठाए हुए, ऐठने के लिए मूंछ तो अब नहीं है, खैर अब उसकी चर्चा नहीं करते हैं, तो कैसे पहुंचेंगे, कैसे जाएंगे उसके सामने, कैसे जा करके खड़े होंगे। भक्ति 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 भक्ति, ईश्वर की भक्ति कैसी होती है भक्ति। सर्वभूतेषु मद्भावम् पुंसो भावयतो चिरात् स्पर्धा सूया तिरस्कारा साहंकाराभियंती। जिसके हृदय में आती है भगवान की भक्ति, वो किसी से स्पर्धा नहीं करता है, किसी से असूया नहीं करता है, गुण में दोष नहीं निकालता, किसी का तिरस्कार नहीं करता, उसके हृदय में अहंकार नहीं आता। आप नारायण श्री कृष्ण के भक्त हैं, हम जानते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश करते हैं, पहले स्कंद में भागवत के कवि देख लीजिए, प्रभाभिवादनाश्लेष परिस्वंग करस्परसस्मिते क्षणैहि आश्वास्य चास्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर् विभुः यथा विध्युपसंगम्य सर्वेषां मानमाददे। भगवान श्री कृष्ण सब यथा विधि सबसे मिलते हैं, किसी को देखकर सिर झुकाते हैं प्रभु, किसी को बोलते हैं नमस्कार प्रभाभिवादन, आश्लेष किसी को हृदय से लगाते हैं, प्रभाभिवादन श्लेष कर स्पर्श किसी से मिलाते हैं हाथ, आदित्य पाणिना पाणि। देख रहा था कल वो वाल्मीकि रामायण के श्लोक पर ध्यान गया, कल भगवान रामचंद्र ने कहा सुग्रीव, अरे तुम पहाड़ में रहते हो, पहाड़ी हो, पहाड़ी गिरिवासी हो, वनवासी हो, सुग्रीव क्या है, गिरिवासी हैं, वनवासी हैं सुग्रीव, है ना, लोमस शरीर है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। बोले देखो मैंने ये अपना दाहिना हाथ फैला दिया, सुग्रीव मैं तुम्हारी ओर मैत्री का हाथ बढ़ाता हूँ, तुम भी अपने हाथ से मेरा हाथ पकड़ो। किष्किंधा कांड वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग आया है, निपीत्य पाणिना पाणिम, सुग्रीव ने भगवान श्री रामचंद्र का हाथ पकड़ के दबाया हो, निपीत्य है ना, आपीद्य पाणिना पाणिम, आपीदन किया, करस्पर्श स्मिते क्षण मुस्कान से भरी चितवन से देखा, और ये तो हुआ बड़े लोगों का, जहाँ स्वपाक थे उधर खास तौर से गए, आश्वास्यता स्वपाके भ्यः वरैश्चाभिमतैर् विभुः। भगवान ने कहा जिसको जो चाहिए सो हमसे लो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे श्री कृष्ण के भक्तों, नारायण श्री कृष्ण के भक्तों, भगवान के भक्तों, इधर भी तो ध्यान दो। आप जानते हो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण गए तो पहले किसके घर गए आपको मालूम है, एक माली था मथुरा में, माली अपने आप बिना बुलाए उसके घर में चले गए। हे भगवान नारायण, एक दर्जी एक रंगरेज, आप मथुरा का प्रवेश ही पढ़ लीजिए पूरा का पूरा, और महाराज वो कुबड़ी कंस की नाइन ऐसा असर डाला मथुरा नगर पर कि लोगों ने कहा कि बस बस अब किसी डॉक्टर से ऑपरेशन करवाए बिना जितनी कुबड़ी स्त्रियां हैं सब सीधी सुंदर हो जाएंगी। अब मथुरा से ब्यूटी हाउस उठा दो, ये श्री कृष्ण सबको सुंदर बना देगा, हो सबको सुंदर बना देगा। वो असुंदर को सुंदर बनाने वाला, वो कुबड़ी के शरीर को सीधा करने वाला, उसकी भी इच्छा पूरी करने वाला नारायण, माली के घर में जाने वाला वो कृष्ण नारायण। आप भगवान की भक्ति करते हैं, इस तरफ आपका कभी ध्यान जाता है, आपने विनय पत्रिका पढ़ा कि नहीं,
हम आपकी भक्ति की प्रशंसा करते हैं, बड़े भारी भक्त हैं, परंतु आपने कभी ये ध्यान दिया, निदर गनी आदर गरीब पर करत कृपा अधिकाई रघुबर, रावरी यह बड़ाई निदर गनी आदर गरीब पर करत कृपा अधिकाई। जो बड़े बड़े गण्य मान्य सज्जन हैं, गनी गनी है, धनी है, गनी है, गण्य मान्य है, कहुल लोगों का निदर ही उनका निरादर कर देते हैं और आदर गरीब पर गरीब का आदर करते हैं। करत कृपा अधिकाई, आप राम के भक्त हैं। सिय बिरही सुग्रीव सखा लखी प्राण प्रिया बिसराई, रन परो बंधु विभीषण ही को सोच अधिक अधिकाई, रघुवर रावरी यह बढ़ाई। यहाँ तो महाराज आपने सुना है कितना पक्षपात दरिद्रों का है रामचंद्र के हृदय में। पतित जो समाज में पतित है, दीन है, हीन है, दरिद्र है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, बानर बंधु के केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बढ़ाई। आपने गोस्वामी तुलसीदास जी का ये पद नहीं पढ़ा, केवट मीत कहे सुख मानत, जब निषाद को, जिसके लिए तो गोस्वामी जी ने लिखा है जास इच्छा छुई ले ये सींचा, जिसकी परछाई छूने के बाद अपने शरीर पर जल का छींटा मारा जाता है, जब कोई कहता है कि केवट रामचंद्र का मीत है, तब रामचंद्र सुखी हो जाते हैं। ये है भक्ति। आप रामचंद्र को प्रसन्न करना चाहते हैं तो जरा केवट मीत कहकर उनको पुकारिए, केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बढ़ाई, स्वान कहे ते किए पुरबाहर जति गयंद चढ़ाई। एक कुत्ते ने आकर शिकायत की, सन्यासी जी ने हमको अपने दंड से मारा है। स्वान कहे थे किए पुरबार जति गयंद चढ़ाई। स्वान को भी जहाँ न्याय प्राप्त होता है, कुत्ते को भी जहाँ न्याय प्राप्त होता है। प्रिय निंदक मतिमंद प्रजा रज निज नय नगर बसाई। अपने न्याय की नगरी अयोध्या में उन्होंने अपनी श्रीमती श्री जनक नंदिनी भगवती सीता, जो स्त्रियों की आदर्श भूता महासती पति प्राणा, जिनके नाम से मनुष्य का हृदय पवित्र हो जाए, उसकी निंदा करने वाले एक धोबी को हो, उन्होंने कहा ठीक है, इसने धोबी का काम किया है, धोबी का काम किया है। सीय निंदक मतिमंद प्रजा रज निज नय नगर बसाई। महाराज भगवान का ये स्वभाव, तो जब आप भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान के स्वभाव को समझने का प्रयत्न नहीं करते, भगवान के गुण को समझने का प्रयत्न नहीं करते, अरे बाबा ऐसे सगुण भगवान, ऐसे साकार भगवान जब हमारे हृदय में आवेंगे तो कुछ लेके आवेंगे, ले आवेंगे। भगवान जब आवेंगे हमारे हृदय में तो अपना स्वभाव लेके आवेंगे, अपना गुण लेकर के आवेंगे, अपना चरित्र लेकर के आवेंगे। कभी आपने इस ओर ध्यान दिया है, श्रीमद् भागवत में जिस भक्ति का वर्णन है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत यकिंचना सर्वैर् गुणैस्तत्र समासते सुराः, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणाः मनोरथेना सति धावतो वही। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत यकिंचना, जिसके हृदय में भगवान की अकिंचना भक्ति है। अकिंचना भक्ति का अर्थ है अपने पास कुछ रख के नहीं, सब कुछ दे के। भक्ति में सेवा जितनी आवश्यक है, विश्वास भी उतना आवश्यक है। तो यदि भक्त अपनी तिजोरी में ताला लगा के और चाबी अपने पास रखेगा तो सेवा तो होगी परंतु विश्वास की कमी क्षण क्षण पर। अपनी चिट्ठी पत्री अलग है, अपना ऑफिस अलग है, अपनी पूंजी अलग है, अपनी चाबी अलग है, सेवक तो है। पर शंकराचार्य ने कहा भक्त नहीं है। शंकराचार्य ने भक्ति की व्याख्या की हो और गीता पर टीका हो, भाष्य हो भगवान शंकराचार्य का और भक्ति की व्याख्या न हो, मैया सक्तमना पार्थो योगंजुंजन मदाश्रयः। मैया सक्तमना और मदाश्रय कहते हैं मेरा आश्रय ले, लेकिन प्रेम भी मुझसे ही हो, सेवा तो करे और विश्वास न हो।
भक्ति कहाँ से आवेगी? नारायण जनता की सेवा करने वाले जब अपनी पूंजी अलग इकट्ठा करने लगते हैं ना, बने तो जनता के सेवक, और बैंक बैलेंस जो है उनका बढ़ता ही जा, तो वो जनता पर विश्वास नहीं करते हैं। देखो इसका नमूना क्या नमूना है, वो सोचते हैं कि पता नहीं जनता कभी कोई हमारी गलती देख करके हमारा तख्ता उलट देगी तो हमारे पास कुछ रहना तो चाहिए ना, तो जनता पर विश्वास नहीं है उनका। नहीं तो सेवक को इकट्ठा करके रखने की जरूरत क्या होती? सेवक जो है वो तो स्वामी के आश्रित हो गया ना। तो मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। हमारे पास बहुत से, हम ऐसे जनता के सेवकों को जानते हैं, बोलते हैं जनता की आवाज है, और दो चार बार जब वो बोलते हैं आवाज उन्हीं की होती है। हम महाराज ऐसे लोगों को जानते हैं, हे भगवान कोई गलत बात मुंह से न निकले, बड़े बड़े राजा रई साहूकार जिनको करोड़पति कहना है ना, उनका अपमान है, इतनी संपत्ति उनके पास है, परंतु महाराज वो कहाँ है? वो तो स्विट्जरलैंड के बैंक में है, नंबर वाले में, बोला हाँ। और ये नहीं कि हमको न बताते हो, हमको बताते हैं। तो ये और देश सेवी है, बोला राष्ट्र प्रेमी है, परंतु ये है कि कभी राष्ट्र में कोई गड़बड़ हुई तो हमारा वहाँ तो बना रहेगा ना, वहाँ तो बना रहेगा ना। तो आपको ये बात सुनाते हैं कि यदि आपका भगवान पर विश्वास है तो छोड़िए ना भगवान पर, थोड़ा आगे बढ़िए, भगवान आपके हृदय में रहेंगे तो सारे गुण लेकर के आएंगे। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराः। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, सब देवता सारे सद्गुण लेकर के उसके जीवन में निवास करते हैं। हरा भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति भावतो वै। जो भगवान का भक्त नहीं है उसके जीवन में महान गुण कहाँ से आवेंगे, क्योंकि वो तो इधर से उधर, उधर से उधर भटक रहा है, भटक रहा है संसार में। देखो महाराज नारायण इस बात पर ध्यान दो, एक एक मन में इतनी इतनी वासना होती है कि संपूर्ण राष्ट्र की संपत्ति यदि एक व्यक्ति और एक मन को दे दी जाए तब भी उसको संतोष नहीं होगा। वो ये चाहेगा कि एक राष्ट्र तो हमारे हाथ में आ गया, अब दूसरा राष्ट्र कैसे आ जाए, कभी संतोष उसको नहीं हो सकता। और उसको फिर विश्व पर आधिपत्य चाहिए, और फिर स्वर्ग पर आधिपत्य चाहिए, फिर वैकुंठ पर आधिपत्य चाहिए। तो ये जो वासना तो है एक एक मन में बड़ी बड़ी, और दुनिया की चीजें हैं थोड़ी छोटी। तो जब तक ये वासनाओं को हम छोटी नहीं बनाएंगे तब तक संसार में सुख से रह नहीं सकते, बेचैनी बनी रहेगी। वासना का पेट है बड़ा, और संसार में इसी से दुख है, इसी से छीना झपटी है, इसी से वैमनस्य है, इसी से संघर्ष है। तो वासनाओं को छोटी कैसे बनाएं? वासनाओं को छोटी बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हम देखते हैं ना कभी कभी अखबार में छपता है कि स्वामी जी कहते हैं कि संपूर्ण कामनाओं का नाश हो। अजी कामना से हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है? हाँ, कामना का नाश हम नहीं चाहते, कामना की मर्यादा चाहते हैं। आपका काम बना रहे परंतु संविधान के अंतर्गत रहे। संविधान माने शाश्वत संविधान। आप जानते हैं राष्ट्रपति बड़ा कि संविधान बड़ा? संविधान बड़ा। प्रधानमंत्री बड़े कि संविधान बड़ा? तो संविधान बड़ा। आज 20वीं शताब्दी के विद्वानों का जब ये निश्चय है कि संविधान बड़ा होता है लौकिक व्यवहार में व्यक्तियों की अपेक्षा, तो हमारे महात्माओं ने यदि ये निश्चय किया कि शाश्वत सत्य के संबंध में, सनातन सत्य के संबंध में व्यक्ति का महत्व नहीं है, वेद शास्त्र का महत्व है, आज आप उसका नाम संविधान रखते हैं, हम उसका नाम वेद शास्त्र रखते हैं। कभी इस बात पर आपने ध्यान दिया? तो अशाश्वत पदार्थों के संबंध में संविधान परिवर्तनशील होता है,
और शाश्वत पदार्थ के संबंध में संविधान शाश्वत होता है, इसी का नाम होता है वेद। वेद माने पोथी नहीं, वेद माने ज्ञान, वेद माने विद्या, अक्षर विद्या, क्षर विद्या, विज्ञान और ज्ञान, जिसका नाम होता है वेद। तो आप नारायण अपने लोभ को मिटाइए मत, परंतु कायदे में उसको मर्यादा में रखिए, ईमानदारी से अपने लोभ को पूर्ण कीजिए, बेईमानी से नहीं, मर्यादा के अनुसार कामना को पूर्ण कीजिए, मर्यादा का उल्लंघन करके नहीं। एक मर्यादा में मोह रखिए, अरे बाबा आप अस्त्र शस्त्र भी रखिए, भला खूब और बढ़िया बढ़िया बनाइए, परंतु वो ऐसी सेना के हाथ में उसको रखिए जो सेनापति के अधीन हो, जो संविधान के अधीन हो, ऐसी सेना के हाथ में अस्त्र शस्त्र होने चाहिए। तो न तो क्रोध मारने की जरूरत है न काम, न लोभ मारने की जरूरत है न मोह, परंतु उनको मर्यादित करने की आवश्यकता है। अब आपके मन में, हमारे मन में, हम सब लोगों के मन में जो अतिरिक्त काम है, अतिरिक्त क्रोध है, अतिरिक्त लोभ है, अतिरिक्त मोह है, जरा उसके लिए भी तो कोई जगह रखिए। तो कामना का मोह, कामना का मुंह ईश्वर की ओर मोड़ दीजिए। आपका जो मोह परिवार के प्रति है वो सर्वात्मा ईश्वर के प्रति भी हो। जैसी कामना आपके मन में है वो केवल छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ झगड़ के यही खत्म न हो जाए, महान वस्तु, सबसे महान वस्तु परमेश्वर के प्रति आपका लोभ हो, काम हो, मोह हो, तो इससे काम का, लोभ का, राग का, मोह का मुंह ऐसा मुड़ जाता है। वो स्वामी जी बोलते हैं, कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। तो ये इसका जो रसायनीकरण है, ये जो अपने काम क्रोध लोभ को भी भगवान के साथ जोड़ करके जो इसका मोदक बनाना है, मोदक, आनंद मोदक बनाना है, तो उसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। तब आप देखेंगे कि आप अपने काम के द्वारा दूसरे के प्रति व्यभिचार का भाव नहीं रखते, आप लोभ के द्वारा दूसरे के प्रति भ्रष्टाचार का भाव नहीं रखते, आप देखेंगे आपका क्रोध दूसरे की हिंसा का हेतु नहीं होगा। ये भगवान की भक्ति हमारे जीवन को ऐसी व्यवस्थित करती है। आपने भक्ति के बहुत बहुत रूप देखे होंगे, आपको हम श्रीमद् भागवत की भक्ति का एक रूप दिखाना चाहते हैं। आपने देखा है, बहुत बढ़िया। भगवान श्री कपिल देव माता देवहूति से बोलते हैं, अहम उच्चावचैर् द्रव्यैः, तीसरे स्कंध में भागवत के आप पढ़ लेना, वो आज का नहीं है, पुराना है। देवहूति ने पूछा, प्रभु आपकी पूजा कैसे करें, 1000 मन चावल का भोग आपको लगा दें तो आपकी पूजा हो जाएगी, और 1,00,000 बार साष्टांग दंडवत आपको करें तो आपकी पूजा हो जाएगी, दिन भर में 1,000 परिक्रमा आपके मंदिर की कर लें तो आपकी पूजा हो जाएगी। कपिल देव जी महाराज बोलते हैं, अहम उच्चावचैर् द्रव्यैः क्रियोत्पन्नया नघे नैव तुष्येऽर्चितोऽर्चायाम् भूतग्रामावमानिनः। जरा ध्यान दो ना इस बात पर। भगवान कहते हैं कि चाहे आप अन्न वस्त्र का, हीरा मोती का पहाड़ लगा दो हमारी पूजा के लिए, और चाहे बड़े बड़े कर्म करो हमारी पूजा के लिए, मैं उस कर्म कांड से और उस द्रव्य की राशि से मैं प्रसन्न नहीं होता। नैव तुष्येऽर्चित अर्चायाम, अर्चायाम मूर्तौ अर्चितः नैव तुष्ये, हजारों मन भोग लगाओ और हजारों बार दंडौती करो, मैं उस क्रिया से और उस वस्तु से संतुष्ट नहीं होता। क्यों नहीं संतुष्ट होते प्रभु, पूछो भगवान से।
आपको अधिकार है पूछने का कि हम इतना धन दें, इतना अन्न दें, इतनी पूजा करें, इतना कर्म करें और आप खुश तक न हो, एक बार मुस्कुराकर हमारी ओर देखें नहीं, एक बार प्रेम भरी नजर से हमारी ओर देखें नहीं, ये क्या बात है? आप ये जवाब तलब कर सकते हैं ईश्वर से। और ईश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, भूत ग्रामावमानिनः, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ, तुम सबके हृदय में बैठे हुए मुझका तो, मैं का तो तिरस्कार करते हो, भूत ग्राम अवमानिना, और मेरी पूजा करना चाहते हो, द्विशत परकाये माम मानिनो भिन्न दर्श, एक ही प्रसंग में श्लोक है, द्विशत परकाये माम मानिनो भिन्न दर्शिना, भूतेषु बद्ध वैरस्य न मनः शांति मृच्छति। भगवान कहते हैं दूसरे के शरीर में जो मैं हूँ उससे तो करते हो द्वेष, इसका अर्थ क्या हुआ? देखो जब हम किसी से द्वेष करते हैं तो उसके हृदय में भी भगवान बैठे हुए हैं और हम भगवान से ही द्वेष करते हैं, और जिस हृदय में द्वेष की आग जलती है उस हृदय में हम भगवान के लिए एक भट्टी तैयार कर देते हैं। क्षीर सागर में रहने वाले भगवान, कमल के फूल पर रहने वाले भगवान और बर्फ के पहाड़ पर रहने वाले भगवान, उनके लिए जब हम अपने कलेजे में एक द्वेष की आग प्रज्वलित करते हैं तो असल में हम ईश्वर को ही जलाने की कोशिश करते हैं। आप भक्ति चाहते हैं, जिससे आप द्वेष करते हैं उसमें भगवान, और जहां आप द्वेष को बैठाते हैं वहां भगवान। एक आदमी को आया क्रोध, लोहार की धौंकनी चल रही थी, छोटे छोटे लोहे के टुकड़े गरम लाल लाल हो रहे थे, और उसको आया गुस्सा और उसने दौड़ के वो लाल लाल लोहे का टुकड़ा उठाया और दूसरे के ऊपर बड़े जोर से फेंका, तो बाबा जिसके ऊपर फेंका वो तो बचा गया और उनकी हथेली जल के बिल्कुल बस। ये कुंद कुंदाचार्य ने, आप देखो आप अपने दिल के हाथ पर जब द्वेष का वो लोहा जलता हुआ उठाते हैं और दूसरे के ऊपर फेंकने की कोशिश करते हैं तो पहले आपका दिल जल जाता है और दूसरा तो बचा भी सकता है। भगवान कहते हैं तुम भक्ति करना चाहते हो, अरे यही विधि भगत ही न हो, दूसरे के शरीर में स्थित जो मैं हूँ उससे तो तुम द्वेष करते हो, द्विशत परकाये माम मानिनो भिन्न दर्शिनः, अपने लिए रखते हो बड़प्पन का अभिमान, भेद दर्शन को बसा रखा है बुद्धि में, जिसके हृदय में प्राणियों के प्रति वैर का भाव है उसको कभी शांति नहीं मिल सकती, इसलिए तस्मा सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्, ये सब हमारा मंदिर है, प्राणी मात्र मनुष्य मात्र अरहे दानमानाभ्याम मैत्रिया भिन्नेन चक्षुषा, अगर तुम हमारी पूजा करना चाहते हो तो दान के द्वारा पूजा करो, सम्मान के द्वारा पूजा करो, मैत्री के द्वारा पूजा करो और अभेद दृष्टि से पूजा करो, ये ईश्वर की पूजा है। अभी तो मैं आपसे पूजा की बात कर रहा, अभी कल मैं आपको भक्ति की, प्रेम की, ज्ञान की बात सुनाऊंगा, कैसा प्रेम होता है ईश्वर के प्रति, कैसी भक्ति होती है ईश्वर के प्रति, ये तो ईश्वर की पूजा है, जो संपूर्ण प्राणियों में विराजमान ईश्वर को देख करके ही हम पूजा कर सकते हैं। ओम शांति।